कारोबार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली दिसंबर से काम बढ़ा चला था यहाँ पे, और किसी भी दुकानदार ने ये नहीं कहा कि मेरा काम कम हुआ है। इनफैक्ट अगर दिसंबर के हम लोग फिगर लाए पिछले साल के फिगर से, दिसंबर 2018 से 2017 में काम की ग्रोथ हुई है। और इस शनिवार को ये हालत थी, क्या तारीख थी परसों, कि यहाँ सरीसर दिख रहे थे, लाखों आदमी आए थे, ट्रैफिक बंद होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव हो गया, पोल्यूशन इंप्रूव हो गया, और यहाँ पे 70% से ज्यादा प्रतिशत, 70-70% से ज्यादा तो लोग मेट्रो से आते हैं। मैं तो चाहूंगा कोई जगह मेट्रो से फिगर पूछे कि शनिवार को कितना फुटफॉल था, आधा आधा घंटा लगा लोग वापस जाने में, इतना यहाँ पर आदमी था। और लोग और सब खुश हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ बंद होंगी, एक अच्छा माहौल बनेगा और पेडेस्ट्राइज और चल से फ्रीली चल फिर सकेंगे। परसों ये हालत थी, सारे फुटपाथ जाम हो गए थे, पुलिस को हमें कॉल करना पड़ा कि व्यवस्था को देखें जरा, इतनी ज्यादा हालत खराब थी। व्यापारियों पर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं एक तो ये टाइम बाउंड, जैसे हमारे को बताया गया था कि 4 से 6 महीने में खत्म हो जाएगा, तो वो टाइम बाउंड होना चाहिए नंबर एक। नंबर दो, जो व्यापारियों के प्राइवेट व्हीकल है उसके लिए पार्किंग की सुविधा सरकार दे ताकि गाड़ी चांदनी चौक में नहीं आए। तीसरा, जिन मार्केटों में लोडिंग अनलोडिंग की समस्या है उनको वो चुस्त दुरुस्त करें, उनको मतलब वो सुविधा दें कि वो अपना व्यापार उनका चौपट ना हो और लोडिंग अनलोडिंग के लिए पर्याप्त समय सुबह और शाम में जो भी सुटेबल हो उनके साथ बैठ करके उनको वो मिले, तो कोई किसी को भी परेशानी नहीं है। देखिए, अगर पार्किंग की सुविधा हो जाएगी, जैसे लाल किला मैदान में हो जाए या आसपास चांदनी चौक पे हो जाएगी, तो वो अपनी गाड़ी वहां पार्क करेंगे और जो ये ई रिक्शा चल रही है उसमें बैठ के चांदनी चौक में आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी और सरकारी काम में भी कोई बाधा नहीं आएगी। तो जब तक सपोर्टिंग नेट सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये परेशानियां खड़ी रहेंगी। नहीं नहीं, व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये राजनीति से अलग हटके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई अगर कोई बीमार है उसके लिए कोई जो डॉक्टरों की मेडिकल एड आती है वो गाड़ियां परमिट होंगी, लोडिंग अनलोडिंग के लिए वाहन परमिटेड होंगे, हम लोग ई रिक्शा से आ सकते हैं। क्योंकि चांदनी चौक इतनी बुरी तरह से जाम रहता है कि यदि कोई बीमार हो जाए तो कोई एम्बुलेंस यहाँ से 1-2 घंटे से पहले निकल नहीं सकती, तो उससे बेटर है कि चांदनी चौक में ट्रैफिक बंद हो जाए। यहाँ पर हालत ये है कि जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है एक तो पोल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है, दूसरा क्राइम बहुत बढ़ जाता है,